Good morning, everyone. Namaste. Welcome back on Let's Crack MP Exam presented by an Academy. मैं राजुल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ Let's Crack MP Exam चैनल पर. तो फटाफट से सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए गुड मॉर्निंग, ताकि जितने लोग भी हैं आ जाएं. आज ये क्लास, कुछ लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि अचानक से 10 बजे क्लास कैसे हो गई. तो कल जी ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो पाई थी शाम को 5 बजे, इसलिए ये क्लास है. बाकी जो आपकी क्लासेस जैसी चलती हैं एज इट इज़ वैसी चलेंगी. शाम को 5 बजे दोबारा ज्योग्राफी की क्लास होगी और उसमें होगा आपका ज्योग्राफी का टेस्ट. और रात को 9:30 बजे संस्कृत की जो क्लास चलती है वो भी बिल्कुल वैसी भी होगी. ओके, तो सुरेश जी हेलो, राकेश जी नमस्ते, शिव भानु जी गुड मॉर्निंग, विद्स जी हाय, रुद्र जी थैंक यू सो मच, वेलकम बैक. ओके, गुड मॉर्निंग आर्मी बॉय एंड सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. फटाफट से बुला लो सारे लोगों को, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें. ज्योग्राफी की बात है, ज्योग्राफी के बारे में एक अनाउंसमेंट ये है कि 31 तारीख तक जो है, केवल 31 तारीख तक हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी को. ऑलराइट, सो 31 मार्च तक आप लोग ज्योग्राफी कंटिन्यू पढ़ोगे, उसके बाद ज्योग्राफी में आएगा एक पॉज और मैं स्टार्ट कर दूंगी साइंस. उसके बाद जैसे ही MPPSC का नोटिफिकेशन आएगा हम दोबारा ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे. तो कुछ एक टॉपिक्स बचे हैं ज्योग्राफी के, उनको कुछ दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद तो हमको साइंस पढ़ना है. ऑलराइट, तो ये थी मेरी अनाउंसमेंट. अभी मैं लेट्स क्रैक MP एग्जाम की टीम से आप सभी को इंट्रोड्यूस कराती हूँ. सो हमारी टीम में शामिल हैं दिनेश ठाकुर सर, शुभम गुप्ता सर, हिमांशु तिवारी सर, शैलेंद्र तिवारी सर, राम सर, अजय बसेडिया सर, सानमती जैन सर, अंकुर सर, सुरेश सर, सौरभ सर. और ये सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ छोटी सी भूमिका मेरी यानी राजुल श्रीवास्तव की भी है. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी आपको ऐसे माहौल में जब पूरे देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं अभी ओपन नहीं है क्योंकि पूरा इंडिया लॉकडाउन है, तो ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनअकैडमी आपके साथ बना रहेगा और आपको 20,000 फ्री स्पेशल क्लासेस दे रहा है मार्च और अप्रैल के मंथ में. मेरी क्लास का टाइमिंग क्या होता है, 9:30 बजे रात को जो हमारी क्लास होती है वो कौन सी क्लास होती है, संस्कृत की. ठीक है, 9:30 जो क्लास होती है दैट इज हमारा संस्कृत वाला क्लास होता है. सुबह 7:30 बजे MPGK होता है, रात को 9:30 बजे संस्कृत होता है. ओके, तो आज आपको 5 बजे आपको तैयार रहना है. 5 बजे आपको इसलिए तैयार रहना क्योंकि 5 बजे फिलहाल आपका टेस्ट है. ओके, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो. यदि बेहतरीन तैयारी करनी है MPPSC और MPSI की, कंप्लीट बैच कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं. एक एक सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा, एग्जाम का हर एक एस्पेक्ट आप टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़कर अपनी तैयारी कर पाओगे. यहाँ पर मैं एक कोड दे रही हूँ RJLIVE, इस कोड को याद रखो और हर जगह किसी को गिफ्ट करना है RJLIVE कोड गिफ्ट करो. क्यों? क्योंकि इससे अनअकैडमी के किसी भी एग्जाम कैटेगरी UPSC, MPPSC, UGC NEET, FCAT, वर्ग 3 TET, छत्तीसगढ़ PSC, बिहार PSC, कोई सा भी, सब जगह 10% का डिस्काउंट इससे मिल जाता है. सो यूज कोड RJLIVE. फॉर एग्जाम्पल MPPSC और व्यापम का सब्सक्रिप्शन 24 महीने का 8,400 रुपये का है. आपने RJLIVE कोड अप्लाई करा, ये कितने का हो जाएगा, 7,560 रुपये का हो जाएगा. ओके, क्या कह रहे हैं, ज्ञान, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है जिससे पाकर व्यक्ति अपने और अपनों को बेहतर भविष्य बनकर अपना कर्ज चुका सकता है. बस ज्ञान और दान की कीमत पता होनी चाहिए. वाह, काफ़ी शानदार विद्स जी. ओके, तो चलिए विद्स जी आप ही की बात कर लेते हैं. पवन जी वेलकम, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो विद्स जी ने ये मैप हमारे साथ शेयर करा, ये इनकी क्रिएटिविटी है. और इन्होंने बताया कि कैसे फ्लाइट्स के माध्यम से जो है कोरोना पूरे में फैला हुआ है. यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड मैप का यूज़ करा है और इन्होंने बताया है कि कैसे जो है चाइना से जो फ्लाइट्स के थ्रू जाते जाते हर जगह जो है ये कोरोना वायरस जो है ये फैला हुआ है. ओके, इटली इससे ग्रसित है, चाइना, इटली, स्पेन, UK, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, उसके बाद ये पहुंचा ऑस्ट्रिया, फिर पहुंचा USA. तो इन्होंने ऐसा पूरा मैप ड्रॉ करा है. ऑसम, शानदार सी क्रिएटिविटी. तो अनडाउटेडली आज के विनर तो आप ही हो. ऑलराइट, सेकंड मुझे ये सिंपल भाषा है, वाक्यों में कहानियां हैं, कविता है, और काफ़ी साधारण सी भाषा में हेमंत जी,
हेमंत जी ने मानवता को बताया है, रीड करके आपको बताना चाहूंगी। काफी आसान सी भाषा है। मानवता के बारे में इन्होंने लिखा है कि आज की परिस्थितियों ने भले ही हमारा निकलना बंद कर दिया हो, आज की परिस्थितियों ने भले ही हमारा निकलना बंद कर दिया है, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखकर जीने का मकसद बता दिया है। एक डॉक्टर नर्स कैसे भगवान का रूप हो सकते हैं ये हमें सिखा दिया है। अपनी जान की परवाह किए बगैर सफाई कर्मी स्वच्छता रख सकते हैं ये हमें समझा दिया है। एक अकेला आदमी कैसे देश का माता पिता बन सकता है ये हमें सिखला दिया है। परिस्थितियों जो भी रहें, पुलिस फर्ज निभा रही है। इन सब चीज़ों ने मानवता का चेहरा दिखा दिया है। तो ये काफ़ी खूबसूरत सी लाइन है, एंड ये जो लाइन है ये हेमंत जी ने लिखी हुई है और काफ़ी अच्छी लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे, लोग भी नए हैं, कि ये क्या है, ज्योग्राफी की क्लास में कहानियाँ कविताएँ कैसे चल रही हैं। तो जी 21 दिन लॉकडाउन है, 21 दिन बाहर नहीं जाना है, घर पर रहकर जब भी बाहर जाने का दिल करे अपनी क्रिएटिविटी को वक्त दे, अपने दबे हुए टैलेंट को निकालें और पेपर पर उतारें और उस पेपर की तस्वीर मेरे साथ शेयर करें। ओके, नंबर आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। चलिए, पवन जी आ चुके हैं सेशन में, तो पवन कुमार कोगे जी ने भी हमारे साथ कुछ शेयर करी हुई हैं। लगातार पवन जी भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो पवन जी ने भी कुछ पंक्तियाँ शेयर की हुई हैं। बात करते हैं कि मैं मौत की सौदागर, मेरा नाम है कोरोना, संपर्क में जो आए पड़े जा से हाथ धोना, वुहान में मैं जन्मी मृत्यु मेड इन चाइना, हूँ ऐसी महामारी जिसकी दवाई कोई ना, मैं मौत की सौदागर मेरा नाम है कोरोना, विश्व स्वास्थ्य आपदा की बनी मैं हूँ कारण, वाईसीए संपर्क से पाती मैं हूँ विसरण, सावधानी बरतने में होता मेरा निस्तारण, निरोधक क्षमता वाले रोकते प्रसारण, दुराव बनाए रखिए एक से दूसरे को होना, मैं मौत की सौदागर मेरा नाम है कोरोना। सो ये जो है कोरोना पर पंक्तियां लिखने वाले पवन कोगे जी, काफी शानदार सी लाइफ। आप भी ये सारी की सारी चीजें करें और 21 डेज मेरे साथ अन अकेडमी के साथ सेलिब्रेट करें और अपनी जो भी हैं पेंटिंग्स, पोइट्री, कहानी, कविताएं मेरे साथ शेयर करें, वो मैं विद आपके नाम यहाँ पर शो करूंगी। नंबर इज 8815077050। इस नंबर पर आप जो है अपनी क्रिएशंस जो है, अपनी कृतियां जो है मेरे साथ बांट सकते हो। नंबर क्या है? 8815077050। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आज हम टॉपिक जो है आज हम कवर करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। और ये कहाँ के हैं, तो ये हम लोग इंडिया की कवर करने वाले हैं, हम भारत में जो मौजूद चीज़ें हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे लोग तैयार, फटाफट से सेशन का लिंक शेयर करो ताकि जितने लोग भी नहीं आए हैं वो लोग आ जाएं। क्लास का टाइम ही बता चुकी हूँ, 7:30 बजे, 5:00 बजे और 9:00 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। चलो, तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि प्रोटेक्टेड एरिया क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है? तो प्रोटेक्टेड एरिया शब्द का मतलब है संरक्षित क्षेत्र। क्या है? संरक्षित क्षेत्र। तो आखिर संरक्षित क्षेत्र जो हैं ये क्या होते हैं, हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में परिभाषा समझो पहले, तो जो प्रोटेक्टेड एरिया रहते हैं वो ऐसे एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज आर दोज एरियाज इन विच ह्यूमन ऑक्यूपेशंस और एट लीस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड। मतलब जिसमें जो मानव हस्तक्षेप है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, काफ़ी सीमित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। संरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मानव व्यवसाय या कम से कम संसाधनों का दोहन सीमित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संरक्षित क्षेत्र, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, अब अगली बात यह है कि प्रोटेक्टेड एरियाज या जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, उनके अंतर्गत जो आता है वो आते हैं नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, तो इनके अंतर्गत क्या आते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं, ठीक है। अगली चीज जो है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण। अगली चीज क्या आती है? वन्य जीव अभ्यारण, तो इसके अंतर्गत और क्या आ रहा है? वन्य जीव अभ्यारण आ रहे हैं। और क्या आता है? तो कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, ओके, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं और कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं, साथ में मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज भी आते हैं। हमको क्या पढ़ना है? तो हमको आंकड़े पढ़ने हैं, है ना, कि पूरे भारत में, रेडी हैं? ओके, चलिए। तो लोग क्यों कम हो गए भाई, मजा नहीं आ रहा है क्या सेशन में? ओके, जस्ट वन मिनट, नेशनल पार्क इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ रहे हैं। चलो, तो अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत में, इंडिया में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो 104 नेशनल पार्क हैं। वहीं बात करो आप वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो पूरे भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कुल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो पूरे इंडिया में 551 यानी 551 जो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद हैं पूरे भारत में। कंजर्वेशन रिजर्व्स कितने हैं हमारे यहाँ पर? 88। कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं? 127। और प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो पूरे भारत में कुल 870 संरक्षित क्षेत्र हैं। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है। तो समझ पा रहे हो अभी तक? ये आंकड़े हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। पढ़ा होगा तो क्या बता पाओगे कि भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण कितने मौजूद हैं भारत में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है इंडिया में, तो 551 जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये डेटा कहाँ का है? तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का ये डेटा है। चलो, तो हमारे यहाँ क्या है ना, हर साल, सालों साल जो है ये नेशनल पार्क्स जो हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये बढ़ते गए। कैसे बढ़ते गए हैं? यदि आप नंबर ऑफ नेशनल पार्क की बात करूं, हम 2000 सन 2000 का आंकड़ा देखें, हम डेटा देखें 2000 का, ओके, तो 2000 में जो है 89 नेशनल पार्क हुआ करते थे पूरे भारत में, पूरे इंडिया में 89 नेशनल पार्क हुआ करते थे। वहीं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करो, वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करो, तो 485, दैट इज 485 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुआ करती थी पूरे इंडिया में। अब ये बात तो रही आज से कितने साल पहले की? 20 साल पहले की, यानी 2000 की बात है। अभी जो रीसेंट डेटा हमारे पास है वो डेटा कब का है? तो जो रीसेंट हमारे पास आंकड़े हैं, जो रीसेंट हमारे पास डेटा है वो 2019 के हैं। भाई 2019 की जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है, वो आंकड़ा हमको ये बताता है कि आज की तारीख में 2019 तक भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, 104 नेशनल पार्क हैं। और वहीं बात करो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, वहीं आप बात करो वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो भारत में जो वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है वो 551 है, 551 है। तो ये डेटा समझ पा रहे हो एवरीवन? गुड मॉर्निंग राकेश जी, नमस्ते। ओके, भाग रहे हो आप लोग, इस टाइप की क्लासेस पसंद नहीं आती लगता। ज्योग्राफी जल्द ही एंड होने वाला है, डू नॉट वरी, साइंस पढ़ेंगे तब सारे लोग आओगे। चलिए जी, आगे की बात करते हैं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं कंटिन्यू आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि आखिर नेशनल पार्क जो हैं वो होते क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान हम इतना सुनते हैं, तो ये राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, दिख रहा है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं? आई गेस ये दिख नहीं रहा होगा, चलो यहां पर लिख देती हूं दोबारा, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, परिभाषा पर चलते हैं, डेफिनेशन पर चलते हैं। यदि आप एक आइडियल डेफिनेशन की बात करो नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क इज एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज नेशनल पार्क, ठीक है। मतलब नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक ऐसा क्षेत्र, चाहे वो अभ्यारण्य हो या ना हो,
मतलब फर्क नहीं पड़ता कि अभयारण्य हो तभी नेशनल पार्क बनेगा, नहीं, अब चाहे वो अभयारण्य हो या ना हो, वो जो है उसको नोटिफाई कौन करता है, तो उसको राज्य सरकार जो है उसका ध्यान रखती है, और राज्य सरकार ही राष्ट्रीय उद्यानों का गठन करती है. ओके, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ देयर इन और इट्स एनवायरमेंट. तो उस भूभाग में मौजूद जो भी जो जानवर रहते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद रहती हैं, उसका पर्यावरण, हर चीज़ की रक्षा करना ही इनका काम होता है. ठीक है, तो नेशनल पार्क की डेफिनेशन समझ में आ गई हो तो नोट कर लेना. चलो अब हम स्टेट वाइज कुछ आंकड़ों की बात करते हैं कि किस राज्य में आखिर कितने नेशनल पार्क मौजूद हैं. ठीक है, तो चलो आंध्र प्रदेश की बात करने से पहले हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार की. अंडमान निकोबार क्या है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं. तो अंडमान निकोबार में जो नेशनल पार्क है यानी जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या कितनी है, तो अंडमान और निकोबार में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 9 नेशनल पार्क है. ओके, आंध्र प्रदेश पे कुल 3 नेशनल पार्क है, 3 नेशनल पार्क है. अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, 2 जो है राष्ट्रीय उद्यान है. असम में 5 है, बिहार में 1 है, छत्तीसगढ़ में 3 है, गोवा में 1 है, गुजरात में कितने हैं, तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा में 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 हैं, जम्मू और कश्मीर में 4 हैं, झारखंड में 1 है, कर्नाटका में 5 हैं, और केरला में कितने हैं, तो केरला में मौजूद जो राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में जो मौजूद नेशनल पार्क्स हैं वो कितने हैं, 6. ओके, चलिए अगली बात करते हैं. हम बात करते हैं महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो हैं नेशनल पार्क कितने हैं, 6. मणिपुर में कितने हैं, मणिपुर में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मिजोरम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 2, नागालैंड में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, हमारा पड़ोसी राज्य यानी राजस्थान इधर पर 5 राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम में 1 ही राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, तेलंगाना में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, किसी ने आपसे पूछ लिया कभी तो बताना कि तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, त्रिपुरा जो तीनों ओर से पूरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, वहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश हमारा एक और पड़ोसी राज्य, यहाँ पर 1 ही राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, और पश्चिम बंगाल में भी 6 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है. तो ये समझ में आया आपको आंकड़ा डेटा कि कहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान कितने ज़्यादा मौजूद हैं, और बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद हैं. ओके, चलिए जी आगे की बात करते हैं, आगे समझते हैं डेटा. तो अब हम मैप में लोकेट करेंगे, जैसे कि हमारी क्लास का शीर्षक ही यही है कि ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग. आपको मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि भूगोल के तहत ही मैं आपको मानचित्र की सहायता से मैं आपको भूगोल सिखाऊं. तो चलो हम बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की, यानी महात्मा गांधी नेशनल पार्क की. कौन सा नेशनल पार्क, ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी नेशनल पार्क. मेरी आज पूरी कोशिश है कि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो, इस क्लास में थोड़ा सा हिंदी वालों को भी दिक्कत होती है ना. तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए तो ये कहाँ पर है, ये वंदूर में है, और वंदूर जो है ये कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में. तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पर पोर्ट ब्लेयर जेल है, और यहीं पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान. तो लोकेशन समझ में आ गई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में. अब ये कौन सी स्पीशीज या कौन सी जनजाति यहाँ, कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर टर्टल, क्रोकोडाइल यानी कछुआ व मगरमच्छ पाया जाता है, साथ में यहाँ पर कोरल रिलीफ भी है. अब कोरल रिलीफ क्या होती है, तो कोरल रिलीफ जो है मैं अगली क्लास में जरूर पढ़ाऊंगी. कोरल रिलीफ क्या होते हैं, प्रवाल भित्तियों के बारे में आपने सुना होगा, एक होता है प्रवाल और प्रवाल से बनती प्रवाल भित्ति. तो अंडमान निकोबार में, भारत में अंडमान निकोबार में जो है कोरल रिलीफ मौजूद है, कोरल रीफ मौजूद है, साथ में यहाँ पर सी पांस है, शार्क है, मोरे
एफल्स हैं। तो ये जो है ये सारी की सारी जो प्रजातियां हैं ये मौजूद हैं अंडमान निकोबार में जो नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओके, समझ में आ रहा है? मेरी क्लास कब होती है गुप्ता गुप्ता जी? सुबह 7:30 बजे, शाम 5 बजे और 9:30 बजे रात को। आज ये वो है कि जो कल नहीं हो पाई थी वो आज हो रही है। चलिए, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में मौजूद, तो इंडिया में प्रेजेंट अगला जो नेशनल पार्क है वो है पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे? ये केरला में है, यानी केरल में है। ओके, तो ये कहाँ पर है? केरल में है। अभी केरल लोकेट कर लो, तो ये रहा केरला, केरल, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरला में, केरल में। और केरल में भी किस जगह पर है? तो केरल में इडुकी नामक एक स्थान है, इडुकी नाम की एक जगह है, वहां पर मौजूद है पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको वाइल्ड बोर मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा, टाइगर मिलेगा, पैंथर मिलेगा, गौर मिलेगा, सांभर मिलेगा, मोनरे एफिल्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, हाँ जी, अगली बात करते हैं। अगला जो नेशनल पार्क है, अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है, जस्ट वन मिनट, हाँ जी, तो अगला जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है बंदीपुर नेशनल पार्क। क्या है ये है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो जो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो मैप में देखो कहाँ है कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अब कर्नाटक में भी कौन सी जगह है? तो कर्नाटक में जगह देखो, कर्नाटक में कौन सी जगह है? कर्नाटक के मैसूर में क्या है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बंदीपुर नेशनल पार्क है। यहाँ पर भी हाथी, टाइगर, बियर, सांभर, पैंथर, ये सारे के सारे जो जानवर हैं, जानवर प्रजातियां हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, ये तो जो थे हमने कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स के बारे में बात करी भारत में जो मौजूद होते हैं। आइए कुछ और राज्यों के बारे में जानते हैं। पेरियार रिवर जो है ये बिल्कुल फ्लो होती है वहां से, बिल्कुल सही कह रहे हो, साइलेंट वैली से। हाँ जी, आगे की बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम और जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? जिम कॉर्बेट, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड रहा ये, और उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब उत्तराखंड में भी कौन सी जगह है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, यहाँ पर एलिफेंट, टाइगर, स्लोथ बेयर और नीलगाय, ये सारी की सारी प्रजातियां जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके जी, बिल्कुल सही विद्स जी। अगली बात करें हम दुधवा नेशनल पार्क की। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं दैट इज हम लोग बात कर रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क की। ओके, तो जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगला नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ये क्या है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो ये जो है ये यूपी में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ के लखीमपुर में है। यहाँ पर भी कौन सी जगह है? जगह का नाम है लखीमपुर, और यहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं, यहाँ पर टाइगर है, पैंथर है, सांभर है और नीलगाय है। तो ये सारी की सारी प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, चलो जी, अगला राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे गिर नेशनल पार्क की। किसकी? गिर राष्ट्रीय उद्यान। के जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर का नाम जब भी आता है तो आप संभाल नहीं पाते हैं, आपको हमेशा मुंह से ही निकल जाता है गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, और गुजरात में कौन सी जगह है? जुन्नारगढ़।
गुजरात का जूनागढ़ है वहाँ पर ही मौजूद है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जस्ट वन मिनट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अच्छी बात है, ठीक है, लाइक वाइक करते जाओ। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है जूनागढ़ में है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयंस के लिए ये फेमस है। इसके अलावा पैंथर, सांभार, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और राइनोसर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क के बाद हम अगले नेशनल पार्क की बात करेंगे, और अगला नेशनल पार्क जो है उसके बारे में समझेंगे। ओके, तो जो अगला नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है कान्हा नेशनल पार्क। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो लोकेट कर लेते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और यहाँ पर भी ज़िले कौन से हैं? तो मंडला और बालाघाट दोनों ही ज़िले में इसका कुछ कुछ क्षेत्र आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मंडला और बालाघाट दोनों ही ज़िले में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भी टाइगर, पैंथर, एंटीलोप, ठीक है, बाकिंग डीर और नीलगाय, ये सारे के सारे जो हैं प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, अगला कौन सा है? अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी जो है मध्य प्रदेश में मौजूद है। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? मध्य प्रदेश का सिवनी जिला। यहाँ पर आपको बंगाल टाइगर मिलेंगे, चीतल मिलेंगे, और साथ में आपको सांबर यहाँ पर मिलेंगे। चलो माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है माधव, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिला शिवपुरी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? शिवपुरी। यहाँ पर जो है टाइगर यानी बाघ और बर्ड्स यानी चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। ओके, उसके बाद अब हम बात करेंगे, उसके बाद हम कौन से राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? ये है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ मौजूद है? झारखंड में। आओ लोकेट कर लेते हैं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मौजूद है? झारखंड में। तो ये रहा झारखंड, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। अब झारखंड की भी कौन सी जगह है? तो हजारीबाग। झारखंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है हजारीबाग, और हजारीबाग में उसी जगह के नाम से इसका नाम पड़ा है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। ये किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? तो देखो यहाँ पर टाइगर यानी बाघ, लेपर्ड, तेंदुआ, सांभर और चीतल, ये सारे के सारे जो प्रजातियाँ हैं इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कुछ और बात करते हैं, हम बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी? मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको असम में देखने को मिलेगा। तो असम में लोकेट करते हैं, ये रहा असम, और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है मानस। क्या है यहाँ पर? मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है याद रखना, ये असम में है। ओके, असम में भी जो है ये बरपेटा रोड असम पर है। यहाँ पर आपको टाइगर, एलिफेंट, पैंथर, वाइल्ड बफेलो यानी जंगली भैंसें, और वन हॉर्न राइनोसर्स, ठीक है, तो एक सिंग वाला गेंडा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, चलो अगला बात करते हैं, हम अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझते हैं। तो ये जो है ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? नामदफा। क्या है ये? नामदफा, नामदफा, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आएगा जब जब, क्या याद रखोगे? अरुणाचल प्रदेश। जगह जो है ये कौन सी है? तो चंगलांग जो है ये जगह है, और यहाँ पर शेर, चीता है ना, यहाँ पर बाघ और हाथी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मनेरी भी असम में, बिल्कुल सही, बिल्कुल, असम इज ऑल्सो लिस्टेड इन। ओके, ये अपवाह है,
ये बात सच्ची नहीं आदर्श जी। ओके चलिए अगली बात करते हैं हम पालमू नेशनल पार्क की। किसकी? पालमू नेशनल पार्क की। तो जो पालमू नेशनल पार्क है, पालमू राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पर है? तो ये भी झारखंड में मौजूद है और झारखंड के लतेहार में ये मौजूद है। ठीक है, अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरबन। कौन सा? सुंदरबन। सुंदरबन, तो सुंदरबन जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। अब जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा? आपको बाघ देखने को मिलेंगे, आपको वाइल्ड बोर देखने को मिलेगा, आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा और साथ में आपको डेर जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके हाँ जी, आगे बात करते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। ये क्या है? ये है काजीरंगा। काजीरंगा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। तो असम लोकेट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काजीरंगा भी मौजूद है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में मौजूद है। ठीक है, अब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है और यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन वन ऑन राइनोसर्स, टाइगर, वाइल्ड बफेलो और सांभर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इतने हमने महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़े हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे एवरीवन। ओके चलो, तो पसंद आती जा रही हो क्लास तो लाइक करते जाना, ऐसी मैं उम्मीद रख रही हूँ आपसे। ऑल राइट, तो जितने भी 28-29 लोग हैं सर उतने लाइक एक्सपेक्टेड है। ओके हाँ जी, आगे की बात करते हैं। रिप्लाई नहीं करती हूँ क्वेश्चन का। अनिकेत जी आपका चैट शायद काफ़ी नीचे चला गया, मैं एक बार चेक करके आज पक्का आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। ठीक है, परेशान ना हो, जितना भी डिले हुआ तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ जी MPPSC, बिल्कुल मैम, प्लीज़ वेटलैंड के बारे में बताइए। आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ोगे तो वेटलैंड को रामसर साइट कहा जाता है और ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसी जगह के नाम से जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कुल जो है आर्द्र भूमि की साइट्स घोषित करी गई हैं जिनको वेटलैंड साइट या रामसर साइट्स के नाम से कहा जाता है। और इसके बारे में जो है आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगी इस पर आपकी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, बिल्कुल सही, रामसर जो है एक शहर है और कहाँ पर है? ये ईरान में मौजूद है। ऑल राइट चलो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर लेते हैं हम, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करी जाए तो इनकी परिभाषा में हम कहेंगे कि एनी एरिया अदर देन एरिया कंप्राइज्ड विद एनी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मतलब ऐसा क्षेत्र, कोई सा भी वो क्षेत्र हो सकता है लेकिन संरक्षित वनों वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ के, और द टेरिटोरियल वाटर्स कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एज अ सेंचुरी if area is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or zoological significance for the purpose of protecting, propagating or a developing wildlife its environment. Okay, wildlife और उसके environment के संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्र जो है उनको घोषित कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल सही, पढ़ेंगे इसके बारे में प्रसून तिवारी जी, हम जल्दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास देखो, मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं कोरल्स पढ़ाऊंगी या तो मैं आपको रिलीफ्स पढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं वाइल्ड लाइफ जो रामसर साइट्स हैं यानी वेटलैंड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा दूंगी। ओके इनकी विशेषता भी करा दूँ। देखिए मैपिंग में तो पॉसिबल नहीं है, जब हम सेपरेट सेशन लेंगे तब मैं ज़रूर करा दूँगी अनुज जी। चलिए अगली बात करते हैं और हम बात करेंगे मुदुमलाई सेंचुरी की। मुदुमलाई ये क्या है? ये है मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा और तमिलनाडु में भी कौन सा? नीलगिरी पहाड़ियों में। चलो ये रहा तमिलनाडु और यहां पर क्या है? यहां पर है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स। यहां पर आपको एलिफेंट, बियर और पिग्स देखने को मिलेंगे।
चलो अगला कौन सा? अगला है पाखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? पाखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो है ये वारंगल में है, तेलंगाना के, तेलंगाना के वारंगल में। कहाँ पर है तेलंगाना? तो लोकेट कर लो, और तेलंगाना में क्या है? वारंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऑल राइट एवरीवन जी, तो चलो लोकेट करते हैं तेलंगाना में क्या है। वारंगल वन्य जीव अभयारण्य, वारंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तेलंगाना में। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और जगह का नाम वारंगल है, सो सॉरी फॉर दैट। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जगह कौन सी है? तेलंगाना, और तेलंगाना में वारंगल में ये मौजूद है। चलिए अगला जो है, अगला जो वन्य जीव अभयारण्य है वो क्या है? वो है रंगतू वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है? ये कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। दिस इज कर्नाटका, यहाँ पर ये मौजूद है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है वेदांती थंगल वर्ल्ड सेंचुरी। तो वेदांती थंगल वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है वेदांती थंगल, वेदांथिंगल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में समझ गए? ऑल राइट, ठीक। इसके बाद अब हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं, और अब हम बात करेंगे चंद्रप्रभा सेंचुरी की। किसकी? चंद्रप्रभा सेंचुरी। चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। कहाँ पर ये मौजूद है? ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो यूपी लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चंद्र प्रभा सेंचुरी है। क्या है? चंद्र प्रभा अभयारण्य है। कहाँ पर है ये? तो चंदौली नामक जगह है यूपी में। कौन सी जगह है? चंदौली नामक जगह है, वहां पर ये मौजूद है। अगली बात करते हैं, हम बात करेंगे दचीगम सेंचुरी की। किसकी? दचीगम सेंचुरी। और ये कहाँ मौजूद है? तो जम्मू और कश्मीर में मौजूद है दचीगम सेंचुरी, दचीगम वन्य जीव अभयारण्य। और यहाँ पर कश्मीर स्टैग जो है, हंगुल, कश्मीरी हंगुल जो है यहाँ पर मिलते हैं। चलो तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और अब हम बात करेंगे कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। घाना वर्ल्ड सेंचुरी। घाना वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में क्या है? घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में मौजूद है। और राजस्थान में कौन सी जगह है? तो राजस्थान का भरतपुर। राजस्थान का भी क्या? राजस्थान का भरतपुर, वहां पर ये मौजूद है। नेक्स्ट है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। तो माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कितने हो गए? राजस्थान में दो हो गए। चलो अगली बात करते हैं हम वाइल्ड एज सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? तो ये कच्छ में है, गुजरात में। गुजरात में क्या है? वाइल्ड एज सेंचुरी है, वाइल्ड एज वन्य जीव अभयारण्य है। और ये कहाँ है? ये गुजरात में कच्छ वाला जो हिस्सा है वहां पर ये मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे वल्फाक्रम सेंचुरी की। वल्फाक्रम सेंचुरी जो है, वल्फाक्रम जो वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पर है? ये मेघालय में है। कहाँ पर है ये? तो ये मेघालय में है। और मेघालय में भी कहाँ पे? तो मेघालय में बारो की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हिल्स हैं? बारो हिल्स हैं, गारो हिल्स हैं वहाँ पर मौजूद है। गारो की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर ये मौजूद हैं। यहाँ पर टाइगर, एलिफेंट, बिसोन, रेड पेंडा, मार्बल्ड कैट, वाइल्ड वाटर बफेलोज जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल राइट एवरीवन, हाँ जी। अगली बात करते हैं किसकी? तो अगली बात करते हैं हम जगदापुरा सेंचुरी की। जलदापुरा जो सेंचुरी है ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ये मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इम्पोर्टेंट थी, और नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा। ये जो डेटा है कहाँ का है? तो ये जो डेटा है ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का पूरा डेटा है। चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जो बिगेस्ट नेशनल पार्क है वो क्या है?
साउथ बर्टन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार में मौजूद है और ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है। दूसरी चीज, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये हेमिस नेशनल पार्क है और जम्मू और कश्मीर में भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क मौजूद है। अगली बात, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत में और जो 1936 में बना था। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहते हैं, इनको डिक्लेयर कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। कब? तो इनको 1972 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित करा था। ओके, अगली बात करते हैं, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये वाइल्ड एस सेंचुरी है गुजरात वाली। कौन सी? गुजरात वाली। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है बोर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर मौजूद है, तो बोर टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारा जो भारत है, हमारे भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, और जिसमें से 3 जो है मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। ओके एवरीवन, तो इतनी छोटी सी क्लास थी और इतनी बातों के बारे में हमने जाना, हमने सीखा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लास आपको क्लियरली समझ में आई होगी। ओके, गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम। हाँ जी, तो इतनी बात थी आज के सेशन में, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पर आपको 20,000 फ्री स्पेशल क्लासेस मिल रही हैं मार्च और अप्रैल दोनों ही महीनों में। साथ में आप अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वहाँ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यहाँ पर आपको MPPSC का संपूर्ण कोर्स मिलेगा लाइव क्लासेस के साथ, MPSI का कंप्लीट कोर्स मिलेगा लाइव क्लासेस के साथ, आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट कोर्स मिलेगा विद लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे, रोज लाइव क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जाएगा कि आप केवल सब्सक्रिप्शन लेकर केवल रिकॉर्डेड क्लास देखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलेगी। सब कुछ का जो प्राइस है वो केवल एक सब्सक्रिप्शन में हो सकता है, और हर एक सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है RJ लाइव कोड को इस्तेमाल करने के बाद। ओके, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और MPPSC और व्यापम कैटेगरी का 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये का है, पर यहाँ पर RJ लाइफ कोड अप्लाई कर देते हो तो ये कितने का पड़ जाएगा, 6,300 रुपये का। नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन है 24 महीने वाला 8,400 रुपये का, इसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा सही है। इसमें देखो MPPSC का एग्ज़ाम आ जाएगा ना, वो भी कवर हो जाएगा और SI भी कवर हो जाएगा। ओके, तो ये 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,400 रुपये का है, पर मेरा कोड RJLIVE इसको अप्लाई करोगे तो 7,560 रुपये में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि जो इंडिया लॉकडाउन चल रहा है, अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, जब भी घर से बाहर निकलने का दिल करे पेन और पेपर उठाओ, पेंसिल और पेपर उठाओ, कविताएं लिखो, कहानियां लिखो, ड्राइंग बनाओ, पेंटिंग बनाओ, और जो भी चीज़ें हैं वो मेरे साथ शेयर करो इस नंबर पर 8815077050। जो भी बेस्ट चीज़ें रहेंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इससे जो है आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको बढ़ावा मिलेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सब्सक्रिप्शन के लिए भी इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, इतनी छोटी सी क्लास थी और यही कल नहीं हो पाया था तो मैंने आपको कवर कर दिया। बिल्कुल, शाम में होगी मेरी क्लास कितने बजे, 5 बजे, शाम 5 बजे तैयार रहना है। भूगोल का टेस्ट है आपका, ज्योग्राफी का टेस्ट है, तो बी रेडी, शाम 5 बजे तैयार रहिएगा, टेस्ट है किसका, भूगोल का, ज्योग्राफी का टेस्ट है आज शाम 5 बजे, ठीक है, इसके लिए तैयार रहना है। अभी जो लेट्स क्रैक MP एग्जाम चैनल है उसको जो है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें, इस क्लास का जो लिंक है अपने सारे के सारे ग्रुप्स में जो है इसको शेयर करें। बाकी जिसके जो भी डाउट हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अभी नहीं रिजॉल्व हो पा रहे हैं, आप अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।
बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, वहां पर आपको पीडीएफ मिल गया है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, सी यू सून, मिलते हैं शाम 5 बजे टेस्ट के साथ, तो पढ़ लो ज्योग्राफी अच्छे से, शाम 5 बजे टेस्ट देना और 9:30 बजे संस्कृत की क्लास रहेगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन शुभ हो, बिल्कुल होगी संस्कृत की क्लास।